हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की जो वीडियो है वो एक नॉस्टैल्जिक मोमेंट क्रिएट करने वाली है, क्योंकि आज मैं उस टीवी सीरीज से कुछ क्रिएट करने वाला हूँ जिसे हम बचपन में देखा करते थे। उस टीवी सीरीज का नाम है बेन 10, और भाई ये शो उस टाइम का सबसे बेस्ट शो था। हालांकि इस शो को बच्चों के लिए बनाया गया था, बट इस शो में वो सब कुछ था जो आज मार्वल स्टूडियोज अपने मूवीज में दिखाता है। अब इससे ज्यादा मैं कुछ और नहीं बोलूंगा, क्योंकि एक रिव्यू टाइप की वीडियो हो जाएगी। तो वापस से अपने टॉपिक पर आते हैं। तो थंबनेल देख के पता चल ही गया होगा कि आज मैं बेन के किस एलियन को रियलिस्टिक फाइट करने वाला हूं। तो बिना टाइम वेस्ट किए सीधे फोटोशॉप में चलते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लेते हैं। मैं यहाँ फोर आर्म्स की इमेज को प्लेस कर लेता हूँ, क्योंकि अब मैं जो कुछ भी करने वाला हूँ इसी इमेज के अकॉर्डिंग करूंगा। अब क्योंकि फोर आर्म्स के मस्त डोले शोले हैं, तो इसी से मुझे आइडिया आ गया था कि इसके ऊपर एक रेसलर की बॉडी ही मैच करेगी। इसलिए मैंने रेसलर्स की इमेजेस ढूंढना स्टार्ट कर दिया, जिसमें से जॉन सीना की इमेज इस लाल एलियन के ऊपर बिल्कुल सही फिट हो रही थी। जॉन सीना की बॉडी और एंगल दोनों ही मैच हो रहे थे, तो इसलिए मैंने ये सारी इमेजेस को डाउनलोड कर लिया। बट ये सारी इमेजेस को ढूंढने में मुझे 2 दिन लग गए। तो मैं स्टार्ट करूंगा इसकी मेन बॉडी से, जो सेंटर का पोर्शन है उसको पहले क्रिएट कर लेते हैं। तो इसके लिए मैं इस इमेज का यूज कर रहा हूं। सबसे पहले मैं इसको क्रॉप करूंगा पेन टूल से, और फिर इसको वॉर्प करके मैं फोर आर्म्स की बॉडी से मैच कराऊंगा। अब इसका जो ऊपर का हाथ है उसको क्रिएट करते हैं। हाथ के लिए मैंने ये इमेज डाउनलोड किया है, इसको भी क्रॉप कर लेते हैं। अब इसको वॉर्प करके मैच कराते हैं। अब राइट हैंड के लिए मैंने ये इमेज डाउनलोड किया है, इसको भी सेम तरीके से ऐड कर लेते हैं। अब इसके फिस्ट के लिए मैं लेफ्ट हैंड को ही डुप्लीकेट करके यहाँ ऐड कर लूंगा। और अब जो नीचे के दोनों हाथ हैं उसके लिए मैंने ये इमेज डाउनलोड किया है, इसको भी क्रॉप कर लेते हैं एंड वॉर्प करके मैच करा लेते हैं, और इसी को डुप्लीकेट करके लेफ्ट हैंड भी क्रिएट कर देंगे। अब जो बॉडी के बाकी पार्ट्स हैं उनको भी क्रिएट कर लेते हैं। पहले मैं पेन टूल से सिलेक्शन क्रिएट करूंगा, और फिर उसमें कलर फिल ऐड करके शेप में कन्वर्ट कर लूंगा। तो अब क्योंकि ये सारा प्रोसेस काफी टाइम कंज्यूमिंग है और मैं तुम लोगों को बोर नहीं करना चाहता, तो इसीलिए मैं वीडियो को यहाँ से स्पीड अप कर रहा हूँ। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ओके, तो अब इसके हाथों को मैं सॉफ्ट राउंड ब्रश से इरेज करूंगा, ताकि ये बॉडी के साथ ब्लेंड हो जाए। अब इसके चारों हाथों का जो कलर है वो आपस में मैच नहीं हो रहा है, तो इसको मैच कराने के लिए मैं कलर बैलेंस का यूज करूंगा। और अब इसकी पूरी बॉडी को रेड कलर में दिखाने के लिए मैं ह्यू सैचुरेशन लेयर का यूज कर रहा हूँ। तो अब इसके फेस के ऊपर स्किन टेक्सचर ऐड करूंगा, ताकि ये थोड़ा और रियलिस्टिक लगे। अब इसके फुट के लिए मैं इस इमेज का यूज करूंगा नसों को दिखाने के लिए। और अब वापस इसके फेस पर आते हैं। अब इसके मुंह के लिए मैंने ये इमेज डाउनलोड किया है, ये महिला काफी जोर से चिल्ला रही है, जो कि फोर आर्म से मैच भी कर रहा है। तो इसके मुंह को मैं इसके मुंह पे लगा दूंगा। गलत बोल दिया। मेरे कहने का मतलब है कि इसके मुंह को क्रॉप करके फोर आर्म्स के मुंह पे क्लिप मास्क कर देंगे। अब इसकी आंखों के लिए मैं कैट की इमेज का यूज कर रहा हूँ, क्योंकि ओरिजिनल इमेज में आंखों का कलर ऑरेंज है और कैट की आंखों का कलर भी ऑरेंज है, तो इसलिए यह काफी सही लगेगा। और अब मैं पूरे फेस पर शैडो ऐड करूंगा, ताकि ये थोड़ा और रियलिस्टिक लगे। तो अब इसको टी शर्ट पहनाने का टाइम आ गया है, और इसके बॉडी पोस्चर को ध्यान में रखते हुए मैंने इस इमेज को डाउनलोड किया है। तो सबसे पहले मैं टी शर्ट से बालों को हटा देता हूँ, और इसके लिए मैं क्लोन स्टैम्प टूल का यूज कर रहा हूँ। और अब इसको क्रॉप करके यहाँ प्लेस कर देता हूँ। अब टी शर्ट को बॉडी के साथ मैच कराने के लिए मैं इसको वॉर्प करूंगा, और कुछ पार्ट को डुप्लीकेट करके अलग से ऐड करूंगा। अब ओरिजिनल टी शर्ट के अकॉर्डिंग मैं इसके नेक को थोड़ा और क्रॉप करूंगा, और अब इसके एजेस को भी फिक्स कर लेता हूं। अब मैं इसके पूरी बॉडी पर और टी शर्ट पर शेडो ऐड करूंगा, ताकि टी शर्ट और बॉडी ब्लेंड हो जाए। अभी ये अलग अलग लग रहा है।
अब मैं टी शर्ट के ऊपर ब्लैक स्ट्रिप ऐड करूंगा जैसा कि ओरिजिनल इमेज में है, और इसके लिए मैं सिंपली ब्लैक कलर लूंगा और हार्ड ब्रश से पेंट करूंगा। अब कुछ जगह पर मैं शेडो ऐड करना भूल गया था, तो वहां पर शेडो ऐड कर लेता हूं। तो अब ओमनीट्रिक्स को क्रिएट कर लेते हैं। अब जिन जिन को नहीं पता है कि ओमनीट्रिक्स क्या है, तो भाई सच सच बताना, तुमने बेन 10 देखा है या नहीं? नहीं। तो ओमनीट्रिक्स के लिए मैं 2-3 शेप क्रिएट करूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल ओएल शेप क्रिएट करूंगा, फिर इसके नीचे का बेस क्रिएट करूंगा, एंड देन जो अंदर का व्हाइट एरिया है उसको क्रिएट करूंगा, और अब इसको थोड़ा सा बड़ा करके बॉडी के साथ मैच कराऊंगा। तो अब जब अपना फोर आर्म्स रेडी हो चुका है, तो इसको एक अच्छा सा एनवायरनमेंट दे देते हैं। सबसे पहले मैं बैकग्राउंड में स्काई ऐड करूंगा और फिर रॉक ऐड करूंगा बेस के लिए। अब इन दोनों पे लेवल्स ऐड करूंगा थोड़ा और नेचुरल फील देने के लिए। अब फोर आर्म्स का शेडो भी क्रिएट कर लेते हैं। अब बैकग्राउंड में मैं एक लाइटनिंग स्ट्राइक ऐड करूंगा, जिसके लिए मैं लाइटनिंग ब्रश का यूज़ कर रहा हूँ, पर तुम लोग PNG इमेज का भी यूज़ कर सकते हो। और अगर तुम लोगों को लाइटनिंग ब्रश चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हो, ये बिल्कुल फ्री है। अब जबकि बैकग्राउंड में बिजली चमक रही है, तो फोर आर्म्स के ऊपर और रॉक के ऊपर हाईलाइट पड़ेगी, तो चलो हाईलाइट क्रिएट कर लेते हैं। और इसके लिए मैं एक्सपोजर लेयर का यूज़ कर रहा हूँ। और अब कलर बैलेंस से मैं बैकग्राउंड में थोड़ा ब्लू टोन ऐड करूंगा। अब इमेज को और रियलिस्टिक टच देने के लिए मैं बैकग्राउंड में ब्लर ऐड करूंगा। तो यार ये थी आज की वीडियो, जिसमें मैंने फोर आर्म्स को रियलिस्टिफाई किया। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, और तुम बेन 10 से अपने फेवरेट एलियन का नाम भी मेंशन कर सकते हो, इन फ्यूचर मैं उस पर भी रियलिस्टिफाई वीडियो बना सकता हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।